हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये देखिए, हमारा ये जितना भी गुलदाउदी था, लगभग 2 महीने के बाद ये पूरी तरीके से, इसका फूल पूरी तरीके से ख़राब होना हो गया है। देख पा रहे होंगे, इसको अभी हमको ये सारे काट के रख देना है दोस्तों, पौधे को। दोस्तों इसको, ये जो नया ब्रांच जो सारे नीचे से शूट्स निकल रहे हैं, ये हमारे दोस्तों ये सारे अगले साल के लिए रेडी होंगे। इसका रूट्स जितना है, ये रूट्स से सारे निकलेंगे। और दोस्तों ये सारे काट देने के बाद ये पूरा गमला आपका नए जो ये शकर से पौधे अगले साल के लिए प्रस्तुत करना है दोस्तों। दोस्तों ये सारे पुराने जो फूल सड़ जा रहे हैं, इसके माध्यम से आपके जो अन्य फूल होते हैं गार्डन में, ये सारे अफेक्टेड हो सकते हैं। जो पुराने फूल एफिड्स एक नामक जो डिजीज़ होता है, उससे अटैक सारे होते हैं, क्योंकि वो फूल को वेस्ट करने में सहायक होता है। इसके माध्यम से ये आपके गार्डन में पूरी तरीके से फैल सकते हैं। तो इस पौधे का आपको सारे ब्रांच को हटा देना है काट कर, क्योंकि इसको हटा देने के बाद इसमें जो रूट्स होगा, वो रूट्स से ही शकर सारे निकलेंगे, और पौधे का जैसे अच्छे से ग्रोथ होगा, उसको आप अगले साल के लिए बचा के रख सकते हैं। देखिए ये क्या, अभी ये फूल ख़त्म होने के बाद ये नया फूल, इसका नया जो नोड्स सारे डेवलप हो रहा है, इसके नोट्स में सारे फूल भी आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको फूल लेना है अभी भी दोबारा, आप ले सकते हैं, बट उतना ज़्यादा मात्रा में फूल नहीं देगा, और फूल का टेक्सचर और फूल का साइज भी देंगे ये उतने जल्दी आपका, ये जो पुराना जो ये कट जाएगा, तो इसका जो रूट्स सारे मिट्टी के अंदर ही, ये पूरा आपका गमला अभी विंटर ख़त्म होने के बाद ही, जब वो समर चालू हो जाएगा, उसी के अंदर ही ये गमला पूरा भर जाएगा। इसको आपको शेड में रख देने से इतना ज़्यादा मात्रा में भी धूप नहीं देना है, लगभग 45 डिग्री तक हमारा यहाँ धूप होता है। इतना ज़्यादा अगर धूप देंगे तो ये पूरी तरीके से आपका डैमेज हो सकता है, अगले साल के लिए कोई भी नहीं बचेगा। इसको सिर्फ मॉर्निंग का धूप उतना ही काफ़ी है, 2-3 घंटा मॉर्निंग का धूप लग जाए तो ये पूरी तरीके से साल भर आप बचा के रख सकते हैं, और कोई भी खरीदने का आवश्यक नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, और दोस्तों ये जो सारे फूल वेस्ट नहीं आपके जाएंगे, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। इसको सारे आप कोई भी ये चीज़ को फेंकिएगा मत दोस्तों, आप इसको छोटे से, ये देखिए इसको पूरी तरीके से ऐसे काट के। दोस्तों अगर आपका जो पौधा है, उसका जो फूल ख़त्म होने के बाद भी अगर आपके पौधे में कोई भी आपका पौधा अफेक्टेड नहीं हुआ है डिजीज से, और एफिड से कोई भी डिजीज अफेक्टेड नहीं हुआ है, उसको आप अच्छी तरीके से कंपोस्ट बना सकते हैं। ये जो सारे जो फूल है, आप इसको छोटे छोटे करके, ये देखिए सिर्फ फूल के भाग को, ये देखिए इसे छोटे छोटे करके आप पहले काट दीजिए इसको। ये जो सारे आप अगर कोई भी एक जगह पर खोद कर इसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से कंपोस्ट हो जाएगा। लगभग आपका ये तो ऑलरेडी पूरी तरीके से सूख चुका है, देखिए दोस्तों ये सारे फूल, और ये लगभग 1 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर ही ये बहुत ही अच्छा एक कंपोस्ट आपका हो जाएगा, जो कि पौधे में आप यूज कर सकते हैं। इसको ये कोई भी चीज़ें, डाली को भी आप नहीं फेंकेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसको ऐसे छोटे छोटे करके बारीकी से काट के, इसको इतना बड़ा बड़ा अगर आप इसको ऐसे ही मिट्टी में दबा देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा समय लेगा कंपोस्ट होने के लिए। इसीलिए दोस्तों इसको छोटे छोटे भाग में ऐसे काट कर, कोई भी कैंची और कटर के माध्यम से काट कर, इसको अगर कोई भी मिट्टी में आप डाल देंगे और उसके ऊपर मिट्टी का एक लेयर बना देंगे, तो ये भी आपका बहुत, ये लगभग ये जो डाली है सारे, मैक्सिमम ये 3 महीने के अंदर ही आपका ये कंपोस्ट में
परिणत हो जाएगा, तो आप इसको कोई भी पौधे में यूज कर सकते हैं। इसमें सारे न्यूट्रिशन है, क्योंकि हम जो पौधे में दिए थे ये सारे इसी के में अंदर ही अवेलेबल है। जो कोई भी ये सारे पत्ते और फूल, आप कोई भी चीज़ को ना फेंके, क्योंकि ये सारे ग्रीन जो है ये हमारे पौधे में से निकल के पौधे के लिए ही काम आ सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये सारे पौधे को मैं ऐसे काट कर, आप अगर चाहते हैं देखना इसको नेमिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं देखिए, दोस्तों मेरे पास ये लगभग 15 वैरायटी का गुलदाउदी है, इसलिए मैं सारे को पहचानने के लिए मैं सारे को नेमिंग करके उसको फ़ोटो खींच के रखता हूँ। देखिए, आप भी अगर कोई भी क्लू देना चाहते हैं और पौधे को पहचाने पाएँ कि उसका माध्यम से, आप कोई भी नंबरिंग करके मोबाइल के फ़ोटो के माध्यम से फूल का फ़ोटो और नेमिंग के माध्यम से उसको रख सकते हैं। क्या है कि अगले साल जब आपका कटिंग, कोई भी अगर आपका कोई फेवरेट फूल हो उसका कटिंग लेना चाहते हैं तो नेमिंग करके ऐसे ये सारे ब्रांच आपको काट देने के बाद दो ही काम आपको करना है। ये जो आप देख पा रहे होंगे साइड में जो मिट्टी है, आपको इसको थोड़ा इसको हल्का कर देना है। दोस्तों इसके सारे, ये देखिए एक साइड, ये आपको मिट्टी को हल्का करके इसको थोड़ा निकाल के इसमें, ये देखिए मैं लिया हूँ मॉन्स्टर केक का पाउडर। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध होते हैं। ये देखिए इतने, ये देखिए लगभग 1.5 चम्मच 1 चम्मच के आसपास इसको आपको दे देना है। अभी ज़्यादा दे नहीं देना है, सिर्फ हमको इसका ग्रोथ लेने के लिए ही इतना देना है। दोस्तों आप इसके बदले भर्मी कंपोस्ट भी चाहे तो दे सकते हैं। भर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छा होता है, लीफ कंपोस्ट। कोई भी एक खाद 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब आपके पौधे के हिसाब से आप दे देंगे तो ये क्या होगा, आपका पौधा अगले साल के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होगा और आपके अगले साल तक इसको बचा के रख सकते हैं। और दोस्तों दूसरे बात है जो, ये देखिए मेरे पत्ते के नीचे ये जो ग्रोथ होगा न्यू पत्ते में, ये सारे एफिड्स, ये सारे माइट्स लगना कंटिन्यूसली चालू रहेगा। इसीलिए आपको पूरी तरीके से आपको कोई भी फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड का छिड़काव इसके काट देने के बाद इसको अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है, जिसके वजह से आपका पौधे का ग्रोथ भी नहीं रुकेगा, बहुत ही शानदार से होगा। दोस्तों आप इतना ही अगर काम करते हैं, आपका ये पौधा अगले साल तक आप इसको बचा के रख सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कोई भी हमारे चैनल में नए आए हैं, और ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।